क्या है तेरा मेरा कव्वाली का मुकाबला चल रहा है क्या? मैं कर रही है, अपना खा रही, दूसरे के पेट पे लात मार रही है। चुप चाप बैठ अम्मा। तुझे भी सुबह सुबह यही घर मिलता है मांगने को? कहीं और जाके भीख नहीं मांग सकता था? निकम्मे पेटू। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरा खिला रही हो। अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी है। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है, राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है, राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पहचान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ मालूम? हाँ तो जा, आज की बात मत आना मेरे दरवाजे पर। तो नहीं आऊंगा, पुलिस वाले की बीवी तो धौंस जमाती है क्या? वर्दी वाले भिखारी की बीवी। क्या बोला? हाँ फिर, तू क्या समझती है गाँव में तेरा एक दरवाजा जहाँ भीख मिलती है? 50 दरवाजे हैं जहाँ पे लोग भीख देने के लिए भिखारियों की तरह लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं, भीखो भिखारी, हाँ मालिक, भीख ले जाओ, मालूम? जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, जिसका कोई चांस नहीं है। अम्मा। अबे तानसेन की भिखारी औलाद। बोलो माई बाप। इधर आ जा। आ गया माई बाप। बैठ जा। थैंक यू। अरे झटका क्यों खा गए? मेरी ब्यूटी से जल गए क्या? अबे डामर, मेरी बराबरी में आकर बैठता है, जानता है तुझ में और मुझ में कितना फर्क है? हाँ जानता हूँ। हाँ फिर? मुझे भीख मांगने के लिए दर दर पे जाना पड़ता है, आपको घर में बैठे ही भीख मिल जाती क्या है। बोला? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। फिर सारा जमाना यही कहता है। आजकल तो स्कूल में बच्चों को भी यही पढ़ाया जा रहा है। लात मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, पिछले महीने पहने मैंने। भिखारी की तरह नीचे बैठ, चल। पायल कहीं का। सच कहा है किसी ने, क्या जिंदगी एक तराजू की तरह है, जो वजनी है वो नीचे चले जाते हैं, जो हल्के हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बकवास बंद कर, चल छोकर, कितना कमाया कितना कमाया? आपसे तो ज्यादा कमा लेता हूँ। एक दिन तुझे इतना मारूंगा ना कि तू अम्मा बाबा पुकारना भूल जाएगा। क्या पुकारना भूल जाएगा? अम्मा बाबा भूल जाएगा। अभी रोटी नहीं पकी, बाद में आना बाबा। नहीं माई, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, चलो ना कल से साथ में भीख मांगते। मत मांगो, मेरा क्या? गधी कहीं की साली। गुरु क्या है वो देखो। अबे हट। किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है। अपने गांव में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? पता नहीं यार। मेरी बचपन से तमन्ना थी क्या कि मैं फिल्म का हीरो बनूं। तू गुरु, इसकी मेरी जोड़ी कैसी रहेगी? उसकी और तेरी जैसे बगले और कौवे की होती है ना वैसे। मैं आपकी बात नहीं करूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। पिताजी। तेरे को क्या? आपको बोल रही, मुझे थोड़ी बोल रही है। पिताजी कौन है तू? मैं तुम्हारी इकलौती लाडली बेटी नेहा। क्या हुआ पिताजी? अरे नेहा तू तू शहर जाकर अपने आप को कितना बदल लिया। माँ कहाँ है? अंदर है, अंदर जा जा जा। ए रसोई घर में। 10 सेकंड में कितने सारे सपने देख डाले, सब मिट्टी में मिल गए। ए बंदर मंकी, इस गेटअप में कैसा दिख रहा हूँ? कहाँ दिख रहा हूँ? क्यों ऐसा लगता अंधेरे ने गॉगल पहना हुआ? अरे हट। ये मेरी दुकान है, कोई पागल कुत्तों का अस्पताल नहीं है। ऐसे चिल्ला रहे जैसे सबसे बड़ी बोतल एरिनी का तेल पी लिया। चलो 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 जवानों की तरह लगा। चलो रेलवे रेलवे। क्या चाहिए? बोल। 1 किलो शक्कर। मेवालाल जी, ये कौन अकल का अंदाज समझ का बहरा आया? इसको शक्कर चाहिए। अबे हिंदुस्तान देख, शक्कर देख, अब तो वो जमाना आ गया कि लोग मीठी बातें करते, गर्म पानी पीते हैं और चाय का मजा लेते हैं। ये तू क्या खा रहा है? केला। तेरे बाप का केला है? मगर मिलावट राम जी, सरकार ने हम लोग के हिस्से की शक्कर आपके पास भेजी है। अच्छा, सरकार ने भेजी है? बुलाओ सरकार को, अभी पूछता हूँ कब भेजी है। जो भेजी थी वो पिछली दिवाली में खत्म हो गई। मिलावट राम जी, हर कोई जानता है शक्कर का कोटा आपके घर में रखा है। हाँ रखा है, मगर वो कोटा मेरे घर का कोटा को हराम का कोटा नहीं है। मेरा बच्चा बगैर शक्कर के दूध नहीं पी रहा है, मेहरबानी करके अपने घर के कोटे से शक्कर दे दीजिए ना। अगर तेरे को मेरे घर के कोटे की शक्कर चाहिए तो तेरे को 10 रुपए का परमिट दिखाना पड़ेगा। मतलब 10 रुपया किलो? ठीक है,
मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, जरूरी है। कड़वाई के जमाने में तेरा शकर देना, वो भी मीठी। मेरा लाल इसको एक किलो शकर बांध के दे, सफेद वाली मीठी वाली काले भाव में। ये तेरे बाप का माल है क्या? पानी निकाल। अरे भाई हमारा नंबर कम आएगा, धूप में खड़े खड़े पांव दुखने लगे। पैर दुखने लगे? कभी ये सोचा हमारे पास कितने दुखते होंगे जब मुझ जैसा नौजवान और मेरा ये बुढ़ा नौकर हम लोग शहर जाते हैं, सारा सामान सब उठा के लाते हैं और तुम जैसे एहसान फरामोशों को देते हैं। भाषण बंद करो ना, मुझे 5 किलो गेहूं का आटा दो और ये रहा आपका परमिट 20 का नोट। अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे, इस 20 रुपए में तेरे को 5 किलो आटा चाहिए? अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा। चलो दूसरा नंबर किसका आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है, हेलो 5 रुपया। लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा यह जुल्म जरूर खत्म होगा। नमक खराब हो? तुम लोगों मिसाल भूल गए, जिसका नमक खाते हैं उसकी थाली में छेद नहीं करते, और तुम लोगों ने मेरा नमक नहीं, मेरा आटा, मेरा दाल, मेरा चावल, मेरा जाले जगह खा लिया है और मेरे धंधे में छेद कर रहे हो। मेवालाल इसकी 5 किलो आटा मार। चलो अगला नौजवान कौन है? 1 किलो चने की दाल देना। ये मुंह और चने की दाल, इसलिए बड़े बड़े नेताओं की दाल नहीं करती, तू कहां से दाल लेने आई है? सेठ जी ये लाइन में जाने वाली नहीं क्यों? ये मेरी रिश्तेदार है। ये तेरी रिश्तेदार है? अबे तू बिन माँ बाप का गटर में पैदा हुआ था। अच्छा? इतना लावारिस था कि तेरे को यतीम खाने वाले भर्ती नहीं करे थे, फिर तेरी रिश्तेदार कहाँ से आई? नहीं, ये मेरे दूर के नजदीक के रिश्ते की रिश्तेदार है। तो पता चला ये रात को अंधेरे में मालूम पड़ा मुझे। सेठ जी दाल दे दीजिए। अच्छा चल, मेरा नौकर बोला इसलिए तेरे को दाल दे रहा हूँ, जा दाल लेकर। दाल मेरी फूल मती उस नकली वनस्पति की गोद में। अबे अबे आंखें के मोतबी की खाने दिखाई नहीं देता है, गाड़ी चला रहा है कि पतंग उड़ा रहा है? आपने मुझसे कुछ कहा? और नहीं तो क्या, आपने बाप से कुछ कहा? ये क्या चक्कर है, गाड़ी की टांकी में पेट्रोल की जगह मेंढक भरे क्या? वैसे रहे, मेरी टांकी में क्या भरा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तुम्हारी गोद में धरा है उसे तो पहले हटाओ। क्या धरा है? एक तो लोगों को डराते, ऊपर से जबान चलाते हो, वैसे रहे। और तुम बुढ़ापे के सिने पर जवानी का पोस्टर चिपकाते हो, कहीं तुम्हारी बीवी आ गई ना तो मार मार के फटे हुए पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगी। ये बेचारी तो घबरा के ऐसी मेरी गोद में गिर गई थी। जब कोई गोद में गिर जाता तो उसको निकाल भी दिया जाता। तुम्हारी गोद कोई गांव का तालाब है, इसमें कोई जानवर गिर जाए तो घंटा भर लगता है उसको निकालने में। अरे जाने काले, देखा तुझे करनी का फल मिल गया ना? क्या मिला? तूने मेरे फूल पे हाथ डाला, भगवान ने तेरा मुंह काला कर डाला। मुंह काला? अरे तेरे वो कीड़े बड़े गए इतने बड़े बड़े। हे नंद के लाल, मैंने अपने बेटे का नाम राजा क्या रखा, वो तो सचमुच राजाओं की तरह जीने लग गया। एक नंबर का निकम्मा और नाकारा हो गया। उसकी हरामखोरी की आदत छुड़वा दे और मेहनत करना सिखा दे, मैं तेरे चरणों में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे माखन चोर, मेरा बेटा एक नंबर का काम चोर, दिन भर आवारा सांड की तरह गांव में फिरता रहता है, लड़कियों की मटकियां फोड़ता रहता है। उसको अपनी तरह नटखट नहीं, राम जी की तरह आदर्शवादी बना दे, मैं 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। हे बुद्धि के सागर, मेरे बेटे के भेजे में बुद्धि की जगह भूसा भर दिया है। पिछले 3 साल से बीए में फेल हो रहा है, इस साल उसकी पढ़ाई की नैया की खेवैया बन जाओ, उसको पास करा दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। जय कृष्ण मुरारी। जय राम जी की। शिवनाथ जी। जय राम। कहां भागे जा रहे हैं, कुछ भगवान पे पैसे वैसे तो चढ़ा के जाइए। अभी मेरा काम थोड़ी हुआ जो पैसे चढ़ा के जाऊं, हो जाएगा तो ऐसे क्या देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, 100 रुपया एडवांस दे के जाता हूँ, बाकी काम होने पर दूंगा। अच्छी बात है, लाइए। मेरा बटुआ, एक पैसा नहीं मेरे पास। अरे क्या शिवनाथ जी, भगवान के सामने खड़े खड़े बहाने बना रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी, आपके सर की कसम, कल मैंने मंडी में गेहूं बेचा, 1000 रुपया मुझे मिला, एक पैसा नहीं है मेरे पास। समझ गया, मैं उसके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, उसने मेरी जेबी साफ कर दी। राजा, ए राजा, राजा। क्या है जी, क्यों राजा राजा कह के चिल्ला रहे हो? जब मैंने अपने बेटे का नाम राजा जी रखा है, सारा गांव उसे राजा जी बुलाता है, तो उसे राजा कहने वाले आप कौन होते हैं? मैं उसे राजा जी कहूँ जी? एक बार वो जी मुझे मिल जाए तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूँ। उल्टा नंगा लटका कर पुराने गदेले की रुई की तरह नई धुनक डाला तो मेरा नाम शिवनाथ नहीं
क्यों जी, क्या किया है मेरे लाल ने? तुम्हारे लाल ने मेरा मुंह काला कर दिया है, हरामखोर ने मेरा बटवा उड़ा लिया, पूरे 1000 रुपए थे उसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा चोर है क्या? चोर? अरे तुम्हारे बेटे को चोर देकर अपनी जेब दबाकर गांव छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए जी, इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पर, क्या सबूत है कि मेरा बेटा चोर है? सबूत? जीजा जी, ये रहा सबूत, तुम्हारा वाहियात भाई, मेरा निकम्मा साला, मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला, क्या है बे शादीलाल? जीजा जी, सुबह सुबह गुस्सा क्यों खा रहे हो? अरे खाना है तो लड्डू खाओ, कड़वा मुँह मीठा हो जाएगा। प्यारी बहना, ये लड्डू का डब्बा तेरे लिए है। क्या बात है भैया, लड्डू बांट रहे हो? कोई लड़की मिल गई है, शादी वादी कर रहे हो क्या? प्यारी बहना, यही गहना तो तेरे भाई ने अभी तक नहीं है पहना, परसों से दूल्हे की तरह तैयार होके घूम रहा हूँ। सर पे दूल्हे की पगड़ी, तन पे दूल्हे का जोड़ा, जेब पे ये देखो चमचमाता चेहरा। अरे बरसों से पंडित को भी तैयार करके बैठा हूँ, अरे 4-5 बार तो अकेले फेरे लगा चुका हूँ, लेकिन दुल्हन ससुरिया की मिलती नहीं है। मिल जाएगी। पिताजी ने है ना मेरा नाम तो शादी लाल रख दिया था, पर उसके लाल की शादी तो हुई नहीं पाई है। हो जा, अबे क्यों बात को शैतान की आंख की तरह लंबा करता जा रहा है? बोलता क्यों नहीं कि मिठाई किस खुशी में बांट रहा है? हाँ। जी जाजी, मैं नहीं बांट रहा हूँ, तो? ये तो आपकी आंखों का तारा, आपके खानदान का चिराग, आपके कलेजे का टुकड़ा, अरे आपका नूरे नजर, आपका बेटा राजा जी बांट रहा है। तुम क्या है कर रही हो? एक तो हरामखोर ने मेरी जेब से 1000 रुपए चुरा लिए, ऊपर से मामा भांजे लड्डू खा रहे हैं। जीजा जी, हम दोनों अकेले थोड़ी ना खा रहे हैं, वो तो पूरे गांव को खिला रहा है। पूरा गांव? जीजा जी, गांव का नाम छोड़ के घर चुका। बाबूजी, बाबूजी। ये बहुत जरूरी है। जा रहे हैं तो जा रहे हैं। जी मुबारक हो, क्या दिल पाया है आपके बेटे ने, बिल्कुल आप जैसा, पूरे गांव का मुंह मीठा करा दिया उसने। आओ बच्चुआ। नमस्ते शिवराज जी, नमस्ते। क्या हुआ, तुझको भी मेरे बेटे ने लड्डू खिला दिए? उनकी क्या मजाल से मुझे लड्डू खिलाएगा, अरे मैं तो इंसान हूँ, उसने तो गाय भैंस बैल बिल्ली सभी को लड्डू खिला रहा, अव्वल आया ना। मेरा बेटा अव्वल है पढ़ाई में? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आपके लड़के को जितने नंबर मिले हैं ना, क्लास में किसी के नहीं मिले। बताओ, मेरा बेटा अव्वल है, पर मैं उसको मारने के लिए लाठी लेके घूम रहा हूँ। लाठी के बजाय मेरे हाथ में मिठाई होनी चाहिए थी। अरे वाह, मिठाई आ गई, ले मुखोल 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 मुखोल, तेरा मुंह के चूहे का बिल है, मुखोल 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 मुखोल, दे रहा बाबा, दे रहा, दे रहा, एक दे रहा, एक मिनट, हाँ लो सब लो, लो लो, दे रहा भाई, एक मिनट दे रहा हूँ। अरे माधव जी, माधव जी, अरे आप तो लड्डू खाइए, मगर किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं आप? कमाल है, आप ही ने तो मेरे बेटे को इज्जत की पदवी पे बिठाया है। इज्जत की पदवी पे मैंने? हाँ, आप ही के कारण तो मेरा बेटा अव्वल नंबर से पास हुआ है, लीजिए लड्डू खाइए। अरे क्यों लड्डू बांटकर अपना नुकसान कर रहे हैं? आज के युग में चोर लुटेरे डाकू पास हो सकते हैं, मगर आपका बेटा पास नहीं हो सकता। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक मैंने नहीं, ये मजाक आपके बेटे ने आपके साथ किया है। पूरी क्लास में एक ही लड़का फेल हुआ है, वो भी आपका बेटा राजा जी। आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, पूरी क्लास में इतनी बुरी तरह से फेल हो गया कि पूरे कॉलेज के मुंह में कालक फोड़ दी उसने। यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ तक बोल दिया कि दोबारा इस तरह कोई लड़का फेल होगा तो कॉलेज में ताला लगा देंगे, और आप लड्डू बांट रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? हटाइए, लड्डू बांट रहे हैं। इतना बड़ा धोखा, मैं इसके लिए मिठाई बांट रहा हूँ? सर, सर सब ठीक तो है ना? तुम हमसे पूछ रहे हो, यही हमको तुमसे पूछना चाहिए। बाज की तरह फैल जाओ और चारों तरफ गिद की नजर रखो, कहा समझे? जाओ। यार बाकी सब तो ठीक है, मगर ये चारों तरफ क्यों? हमें तो सिर्फ ताज पर नजर रखनी है ना। जो ये बोलता है हाँ? वो करते हाँ। चारों तरफ नजर रखते, ओके ओके। हेलो, हाय मारिया। अरे मैं यार गोशाल बाबू का ताज का एग्जीबिशन है, वहां पे हूँ। काम में फंसा हूँ यार, टाइम कहाँ मिलता है, गेट पर ही खड़ा हूँ। वो चिंदी चोर को एग्जीबिशन में घुसने नहीं देना है ना, सवाल ही नहीं होता, मेरे होते हुए घुस ही नहीं सकता हो। हेलो, या प्लीज वेलकम, प्लीज, थैंक यू, नो चांस।
ब्यूटीफुल। क्या फायदा, चिंदी चोरी से भी चुरा ले जाएगा। ए बाबू देखो देखो देखो, सब लोग कह रहा है कि चिंदी चोर कुछ नहीं कर सकेगा, हमरे सिक्योरिटी वाले उसको साले को अंदर नहीं आने देंगे। चिंदी चोर बहुत चालाक है, वो कब आता है कब जाता है पता ही अरे नहीं। अरे तो हमारी पार्टी का आदमी होकर हमरे खिलाफ बात करता है, नाक तोड़ देंगे तेरी, चल जाके अपना काम कर बदतमीज साला। खिसवागर संभाल के, जेब संभाल के भाई साहब, खिसवागर संभाल के भाई साहब, मूंछ संभाल के मैडम, पर्स संभाल के भाई साहब, चश्मा संभाल के। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारा जो एग्जीबिशन है वो लंच ब्रेक के लिए बंद होती है, तो आप लोग साफ बाहर जाइए और आधा घंटे के बाद भात खा के वापिस आ जाइएगा। ये सब जो सामान है उस सब का बोली 6 बजे के बाद होगा। अभी आप लोग जाइए 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 जाइए, चलो 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 चलो, हाँ भाई चलो बाहर जाओ, चलो चलो। गोशाल बाबू चल के थोड़ा भोजन भोजन कर लेते हैं, हमारी भूख मर गई है, हम ताज के पास ही, आप जाइए जाइए। का है, हमने सिक्योरिटी है ना, फिर का चिंता के बाद है। इधर आप, यस सर। तुम इधर आप सर, तुम लोग ये ताज पे बहुत कस के निगाह रखना, समझे? खुश चलो, हाँ खुश, नजर रखना हमारा जिगर है। चलो चलो चलो, इतने सारे गार्ड में से हम दोनों मिले थे क्या? वो भी लंच टाइम पे। ज्यादा बोले तो बोल दूंगा, सॉरी सॉरी। ताज पे बात, चलो ड्यूटी पे चलिए। अबे ओ बतख के बासी बदबूदार अंडे, जल्दी बंद कर। कर रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कल रामदास के बच्चे का नामकरण संस्कार है, मुझे काफी मिलावट करनी है, जल्दी बंद कर। करता हूँ। अरे पहलवान, मेरा मतलब भाग्यवान, जल्दी आओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। क्या चावल की गोनी की तरह मटकती हुई चली जा रही है, इतना अनाज मेरी दुकान में नहीं जितना इसमें भरा हुआ है। और ये क्या है? मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल, हाँ। और तिल का तेल कहाँ है? ये क्या पड़ा है? तो ये मूंगफली का तेल, हाँ। तिल के तेल में डाल। अरे किसमें क्या डाल रहे हो? हरामखोर, मैं समझा पुलिस आ गई। पुलिस? अरे बोल, मैं तो बाल्टी भर के गोंद हलक मुंडेल दूंगा। मगर एक जी मिला क्या रहे हो? अबे तिल के तेल में मूंगफली का तेल मिला रहा हूँ। सत्यानाश, अगर ऐसे ही मिलावट करते रहे मिलावट राम जी, तो एक दिन आपके धंधे का राम नाम सत हो जाएगा। अबे शुभ बोल खबीज, शुभ बोल। मुंह खुलता है तो ऐसे लगता है जैसे मोरी धोने का पाउडर निकाल रहा है। रोज हम लोग तिल के तेल में मूंगफली का तेल ही मिलाते हैं क्या? और चावल की गोनी नाम क्या तुम्हारा? बंदर लेखा, वो काली मिट्टी का है। तुम्हारे बाजू में तो खड़ी है। अरे तुम्हें कौन गधा कह रहा है? दिन में 100 बार काली मिट्टी कहकर तुम ही तो मुझे बुलाते हो। वो तो मैं अपनी तकदीर को कोसता हूँ कि मैं दुनिया के खाने में मिलावट करता हूँ, ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में ये मिलावट कर दी है। क्या कहा? अरे बाबा मैं उड़द की दाल में मिलाने के लिए काली मिट्टी मांग रहा हूँ, अब क्या तुमको गोनी में गुजर दूँ? काली मिट्टी कहाँ है? अरे सेठ जी क्यों अपना दीवाला निकालने पर तुले हुए हो? उड़द की दाल में काली मिट्टी थोड़े मिलाते हैं, अब जमाना बदल गया है, अब काली मिट्टी में उड़द की दाल मिलानी चाहिए, तब जाकर फायदे की बात हुई। ये तूने आखिरी मर्तबा अकलमंदी की बात करी है। मैं गांव वाले से छुपा कर या छुप कर मिलावट कर रहा हूँ, और तू सारे गांव को सुनाने के लिए जोर जोर से गाना बजा रही है। अरे पिताजी अब बस करो बस करो, ये मिलावट कर करके जो आप पैसा जमा कर रहे हो, मैं लिख कर देती हूँ ये पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। भगवान न करे आप कभी बीमार पड़ गए तो इस पैसे से जो दवा मंगवाओगे वो दवा भी मिलावट वाली ही होगी। अरे हट, रिश्वत और मिलावट तो संसार की सजावट है, भगवान ने भी इंसान को शुद्ध कहाँ पैदा किया? हवा आग पानी और आत्मा की जब मिलावट की तब जाकर इंसान को पैदा किया। अरे जब ऊपर वाला मिलावट कर सकता है तो मुझको मिलावट से मना करने वाली तू कौन होती है? अच्छा अगर ऐसा है तो दुकान बंद करके मिलावट करने की क्या जरूरत है? खोलो दुकान, दिखाओ सबको कि तुम कोई चोरी नहीं कर रहे, भगवान के रास्ते पर। देखो बंदर रेखा, इस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कोई अच्छा सा लड़का देख के इसके हाथ मिले करके इस घर से रवाना करो, तब मेरे सीने के कलेजे में ये तो मेरा की सांस की उबाल आएगी। हाय 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 हाय, लड़का ढूंढने चले।